हाय गाइस, अगर आप भी एक लैपटॉप सिस्टम या फिर कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल करते हो और ऐसे में आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में जो विंडो है वो करप्ट हो गई है या आपने की जो विंडो है वो भी खराब हो चुकी है और आपको एक न्यू विंडो इंस्टॉल करने की जरूरत है और ऐसे में आपको नहीं पता कि विंडो को कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कैसे आप घर बैठे आसानी से विंडो को इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, विंडो को इंस्टॉल करने के लिए दो तरीके हैं। वैसे आप विंडो को पेन ड्राइव से भी इंस्टॉल कर सकते हो और विंडो को सीडी एंड डीवीडी से भी इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप विंडो को पेन ड्राइव से इंस्टॉल करना चाहते हो तो इसके लिए आपको 16 GB की पेन ड्राइव होनी चाहिए, कम से कम आपको 16 GB की पेन ड्राइव तो होनी ही चाहिए। उस पेन ड्राइव को आपको बूटेबल बनाना होगा तभी आप विंडो को इंस्टॉल कर सकते हो पेन ड्राइव से। अगर आप सीडी से विंडो को इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको मार्केट में जाके सीडी को परचेज करना होगा, उसके बाद सीडी से विंडो को इंस्टॉल कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीडी से विंडो को कैसे इंस्टॉल करते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें, आपको एक भी स्टेप को मिस नहीं करना है, वरना आपको एक भी स्टेप को मिस कर देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण शर्मा, स्वागत है हमारे कंप्लीट टेक चैनल में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, विंडो इंस्टॉल करना एक नॉर्मल सी बात हो चुकी है, बहुत से लोगों को इसके बारे में अभी तक नहीं पता कि विंडो को कैसे इंस्टॉल करते हैं और बहुत से लोगों को पता भी होगा कि विंडो को कैसे इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये फेस तो जरूर किया होगा, अगर आपकी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में विंडो करप्ट हो जाती है तो आप मार्केट में विंडो को इंस्टॉल करवाने जाते हैं तो वहां पर आपसे 200 से 300 रुपये पर चार्ज कर लेते हैं, या फिर अगर आप घर पे ही बूटेबल पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना चाहते हो तो इसके लिए आपको मैक्सिमम कम से कम आपको 16 GB की पेन ड्राइव लेना ही है। तो अगर आप अपने घर में ही पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हो तो उसमें आपको ISO फाइल को डाउनलोड करना होगा और ISO फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपको पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना होगा। पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आप उस ISO फाइल को उस सॉफ्टवेयर से उस पेन ड्राइव में आपको डालना होगा। ध्यान रखें, अगर आपके पेन ड्राइव में अगर डेटा है तो वो फॉर्मेट हो सकता है, तो आप अपने डेटा का बैकअप बना लें या फिर आप अपने डेटा पेन ड्राइव में जो डेटा पड़ा है उसे आप दूसरे पेन ड्राइव या फिर मोबाइल में ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि जब आप पेन ड्राइव को बूटेबल बनाओगे तो उसमें आपका जो डेटा है वो फॉर्मेट हो सकता है, तो ये बात आप जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के बाद आप बहुत ही आसानी से उस पेन ड्राइव से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडो को इंस्टॉल कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप सीडी से विंडो को कैसे इंस्टॉल करते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह का मैसेज आता है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम वाज नॉट फाउंड, ट्राई डिस्कनेक्टिंग एनी ड्राइवर दैट डोंट नॉट कंटेन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके नीचे लिखा है प्रेस कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल टू रिस्टार्ट, इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर या फिर सिस्टम या फिर लैपटॉप सिस्टम जो विंडो है वो करप्ट हो चुकी है, आपको एक न्यू विंडो इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको एक न्यू विंडो इंस्टॉल करने के लिए आपको पेन ड्राइव से ही विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बाद आप सीडी एंड डीवीडी से भी विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सीडी एंड डीवीडी से आपको बताएंगे, जैसे आप सीडी को अपने सीडी या डीवीडी को अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम में कनेक्ट कर लेते हैं यानी लगा लेते हैं तो आपको ESC बटन को प्रेस करके रखना है, जब तक प्रेस करके रखना है जब तक कि BIOS मोड ओपन ना हो जाए। उसके बाद आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, यहाँ पे आपको F9 प्रेस करना है, जैसे आप F9 को प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर आप CD एंड DVD से विंडो को इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इंटरनल CD एंड DVD को ड्राइव को सिलेक्ट करना है। अगर आप पेन ड्राइव से विंडो को इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप पेन ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम CD से कर रहे हैं विंडो को इंस्टॉल तो हम CD को सिलेक्ट करेंगे एरो की मदद से। तो आप एरो की मदद से नीचे इंटरनल CD एंड DVD को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको एंटर मार देना है। एंटर मारने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी, तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, लैंग्वेज में आपको US यूनाइटेड स्टेट को ही सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको सेम ऐसे ही छोड़ देना है, तो जैसा है आपको सेम इसी तरह से छोड़ देना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करना है, जितना ये प्रोसेसिंग लेता है आपको छोड़ देना है, आपको वेट करना है जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता है। जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है तो आपको थोड़ी देर के लिए इंतजार करना होगा, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तो हम आपको बताएंगे कि आगे आपको क्या करना होगा। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी, तो जिस पे लिखा है एंटर द प्रोडक्ट की
एक्टिवेट विंडो, तो आपको अगर आपको विंडो को एक्टिवेट करना है तो आपको प्रोडक्ट की देनी होगी। अगर आप मार्केट से सीडी एंड डीवीडी को परचेज करके लेकर आते हैं तो वहाँ पर आपको प्रोडक्ट की देखने को मिलती है, यानी वो प्रोडक्ट की आपको यहाँ पे एंटर करनी है। अगर आपके पास प्रोडक्ट की नहीं है तो आप इसे सिंपली ऐसे ही छोड़ सकते हो। उसके बाद आपको नीचे स्किप का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको स्किप पे क्लिक कर देना है। स्किप पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये अगर आपके पास प्रोडक्ट की नहीं है तो आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आपको स्किप कर देना। उसके बाद आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी, आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपली कस्टम इंस्टॉल विंडो ओनली एडवांस पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी, तो यहाँ पे आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको पार्टीशन दिखाई देंगे, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ड्राइव पार्टीशन सिस्टम रिकवर जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इसमें विंडो को इंस्टॉल नहीं करना है। उसके बाद आप ये पार्टीशन नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं 46 GB, 72 GB, 343 GB, तो इनमें से आप कोई सी ड्राइव में पार्टीशन को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ड्राइव पार्टीशन 2 को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं इस ड्राइव को फॉर्मेट करूँगा। जी हाँ, इस ड्राइव को फॉर्मेट करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप ड्राइव को फॉर्मेट नहीं करोगे तो आपकी जो विंडो है उसमें वायरस आने का खतरा बढ़ जाता है। तो यहाँ फॉर्मेट पर क्लिक करके आपको ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको वार्निंग भी दे रहा है, जैसे वार्निंग मतलब आपके ड्राइव के पार्टीशन में जो कुछ भी होगा वो फॉर्मेट हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो फॉर्मेट करने के बाद हम ड्राइव पार्टीशन 2 में इसको विंडो को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता है यहाँ पे आपको कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करना है। तो यहाँ पे इसमें आपको टाइम लग सकता है, कितना टाइम लगेगा कुछ पता नहीं। तो यहाँ पे आपको लैपटॉप को चार्जर से कनेक्ट रखना है, ज़रूर रख के, जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पे लिखा है गेटिंग रेडी। तो यहाँ पे जी 100% कंप्लीट होने के बाद आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे जैसे ये प्रोसेस चल रहा है आपको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन आता है हम आपको बताएंगे। जैसे ही आप ये लोड वही सेम प्रोडक्ट की को डालना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब तक आप प्रोडक्ट की नहीं डालते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पे भी आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं डू दिस लेटर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डू दिस लेटर पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट ए मूवमेंट। तो यहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए वेट यानी इंतजार करना होगा, जैसे ही आपके हम आपको बताएंगे। जैसे ही जस्ट ए मूवमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट एन अकाउंट फॉर दिस पीसी, यानी आपके पीसी का जो अपने पीसी का अकाउंट का नेम क्या रखना चाहते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी आर गोइंग टू फॉर यूज दिस पीसी। तो आप यहाँ पे कोई सा भी नाम डाल सकते हैं, फिलहाल मैंने अपना ही नाम डाल दिया है। नाम डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके जो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम विंडो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगी। दोस्तों देखा आपने कितना आसान है अपने घर पे ही विंडो को इंस्टॉल करना। दोस्तों एक ही बार पैसे खर्च करने की जरूरत है, उसके बाद आप जब मर्जी चाहो उस विंडो को इंस्टॉल कर सकते हो सीधी वो डीवीडी से। तो इससे आपको एक बेनिफिट और भी मिल जाता है कि आपको पता चल जाता है कि अगर आपने एक बार विंडो को इंस्टॉल करना सीख गए घर पे तो आपको मार्केट में जाके पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए।